कुछ लोगों को झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये फैशन हो गई है। हमारे वित्त मंत्री ने बार बार इस बात को कहा है, तो भी उनकी मदद करने चाहने वाले लोग सत्य को दबा देते हैं और झूठ बोलने वाले लोग चौराहे पर खड़े रह करके जोरों से झूठ बोलते रहते हैं। और वो मसला है एनपीए का। मैं इस सदन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से आज देश को भी कहना चाहता हूं कि आखिर एनपीए का मामला है क्या। देश को पता चलना चाहिए कि एनपीए के पीछे ये पुरानी सरकार के कारोबार है और शत प्रतिशत पुरानी सरकार जिम्मेवार, 1% भी कोई और नहीं है। आप देखिए, उन्होंने ऐसी बैंकिंग नीतियां बनाई कि जिसमें बैंकों पर दबाव डाले गए, टेलीफोन जाते थे, अपने चहेतों को लोन मिलता था, वो लोन पैसा नहीं दे पा रहे थे, बैंक नेता सरकार बिचौलिए मिलकर के उसका रिस्ट्रक्चर करते थे, बैंक से गया पैसा कभी बैंक में आता नहीं था, कागज पे आता जाता चल रहा था और देश लूटा जा रहा था। उन्होंने अरबों खरबों रुपया दे दिया। हमने बाद में आना करके आते ही हमारे ध्यान में विषय आया, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं पहले ही दिन देश के सामने वो सारे तथ्य रख देता। लेकिन ऐसे समय बैंकों की एक दुर्दशा की बात देश के अर्थतंत्रों को तबाह कर देती, देश में एक ऐसा संकट का माहौल आ जाता उससे निकालना मुश्किल हो जाता। और इसलिए आपके पापों को देखते हुए, जानते हुए, सबूत होते हुए मैंने मौन रखा मेरे देश की भलाई के लिए, आपके आरोप में सहता रहा देश की भलाई के लिए। लेकिन अब बैंकों को हमने आवश्यक ताकत दी है, अब समय आ गया है कि देश के सामने सत्य आना चाहिए। ये एनपीए आपका पाप था और मैं आज इस पवित्र सदन में खड़ा रहकर के कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रहकर के कह रहा हूं, हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसी लोन हमने नहीं दिए जिसको एनपीए की नौबत आई हो। और आपने छुपाया, आपने क्या किया, आपने आंकड़े गलत दिए। जब तक आप थे आपने बताया कि एनपीए 36% है। हमने जब देखा और 2014 में हमने कहा भाई झूठ नहीं चलेगा, सच करो, जो होगा देखा जाएगा। और जब खारे कागजात खंगालना शुरू किया तो आपने जो देश को बताया था वो गलत आंकड़ा था, 82% एनपीए था, 82%। मार्च 2018 में बैंकों द्वारा दिया गया कुल एडवांस 18 लाख करोड़ रुपए, और हमने 6 साल में आप देखिए क्या हाल हो गया, 8 में 18 लाख करोड़। और आप जब तक मार्च 2000 तक बैठे थे ये 18 लाख करोड़ पहुंच गया 52 लाख करोड़ रुपया, जो देश के गरीब का पैसा आपने लुटा दिया। और लगातार आप रिस्ट्रक्चर करते रहे कागज पे, हाँ लोन आ गया लोन दे दिया, लोन आ गया लोन दे दिया, आप ऐसे ही उनको बचाते रहे, क्योंकि बीच में बिचौलिए थे, क्योंकि वो आपके चहेते थे,
क्योंकि आपका कोई न कोई उसमें हित सधा हुआ था और इसलिए आपने ये काम किया। हमने तय किया कि जो भी तकलीफ होगी सहेंगे, लेकिन साफ सफाई और मेरा स्वच्छता अभियान सिर्फ चौराहे तक नहीं है, मेरा स्वच्छता अभियान इस देश के नागरिकों के हक के लिए इन आचार विचार में भी है और इसलिए हमने इस काम को किया है। हमने योजना बनाई, चार साल लगे रहे, हमने रिकैपिटलाइजेशन पर काम किया है, हमने दुनिया भर के अनुभवों का अध्ययन किया है और देश की बैंकिंग सेक्टर को ताकत दी गई है। ताकत देने के बाद आज मैं पहली बार चार साल आपके झूठ को झेलता रहा, आज मैं देश के सामने पहली बार ये जानकारियां दे रहा हूं। 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ लुटा दिया आपने और आज जो पैसे बढ़ रहे हैं वो उस समय के आपके पाप का ब्याज है। ये हमारी सरकार ने दिए हुए पैसे, ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो 52 लाख करोड़ पर ब्याज जो लग रहा है उसका है। और देश कभी आपको इस पाप के लिए माफ नहीं करेगा और कभी न कभी तो ये चीजें, इसका हिसाब देश को आपको देना पड़ेगा।